नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ वन प्लस की तरफ से वन प्लस 12। ये दोस्तों वन प्लस का वन प्लस 12 मेरे पास आ चुका है, जो दोस्तों मेरे पास 16 GB और 512 GB वाला वेरिएंट, जिसका कलर है दोस्तों मेरे पास ग्रीन वाला, जिसका नाम कुछ इस तरीके से है फिलोवी इमेरेल्ड नाम से। लेकिन इसका जो कलर है आपने देखा होगा काफ़ी वीडियो में, जो ग्रीन कलर टाइप से दिखता है, तो दोस्तों वही वाला कलर मैंने लिया है। तो दोस्तों आज मेरे सामने आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस बॉक्स में दोस्तों हमें फ़ोन के साथ साथ क्या मिलता है और फ़ोन की क्वालिटी कैसी है, कैमरा वगैरह दोस्तों कैसे इसमें दिए गए हैं, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अभी दोस्तों जो रिकॉर्डिंग हो रही है इस वीडियो की, वो हो रही है दोस्तों आईफोन 15 से। तो कैसी क्वालिटी है ये भी मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए दोस्तों पहले मैं करता हूँ बॉक्स को ओपन। मैं दोस्तों आपने देखा होगा बॉक्स पहले से ओपन है, क्योंकि मैंने इस फोन को चेक किया था, यूज किया था। और इसकी प्राइस क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि आपने थंबनेल में चेक किया होगा काफ़ी कम प्राइस में मैंने इसको परचेस किया है। तो जो कुछ बॉक्स है इसमें कुछ लिखा हुआ है थैंक यू वगैरह इस तरीके से, इसको रखते हैं साइड में। और जो एक बॉक्स पर मिलता है हमें ऊपर, इसको देखते हैं पहले दोस्तों। इसमें मिलता है हमें एक कवर, देखिए कुछ पेपर वगैरह, और उसमें कुछ नहीं है, खाली कर दिया। देखिए जी है एक कवर ग्रीन कलर का, क्योंकि फोन भी मेरे पास ग्रीन कलर वाला है। तो ये एक TPU केस है, काफ़ी मुलायम सॉफ्ट वाला। जी कुछ स्टिकर वगैरह हैं, और जी है दोस्तों इसका कुछ कुछ कार्ड वगैरह, पता नहीं कौन सा कार्ड होता है दोस्तों ये। और जी है दोस्तों इसका रेड केबल क्लब कार्ड, और जी है इसकी सिम इजेक्ट टूल। तो ये कुछ मिलता है इसमें इस बॉक्स के अंदर, दीवारी बॉक्स के अंदर। अब आते हैं दोस्तों मेन फोन की तरफ। तो इस तरीके से बहुत फोन मिलता है, इसको रखते हैं इन साइड में भी। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर में 100 वॉट का चार्जर मिलता है और एक केबल मिलती है, बट ये चार्ज छोटा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इसमें अपना दूसरे फ़ोन का चार्जर रख दिया था, क्योंकि इसका जो चार्जर था 100 वॉट वाला, वो मेरे एक दोस्त ले गया है। तो रिकॉर्डिंग के लिए मुझे एक चार्जर रखना था, तो मेरे पास यही पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको बॉक्स के अंदर रख दिया। बट दोस्तों इसके अंदर जो मेन चार्जर आता है वो आता है 100 वॉट का, जैसे 80 वॉट का है सुपर बूक चार्जर, तो वो होता है 100 वॉट का। वो थोड़ा लंबा होता है, इससे यहाँ तक पूरा कवर कर लेता है ये एरिया, और वो यहाँ पे 80 की जगह लिखा होता है 100। बाकी यही सब कुछ होता है, बट इसकी जो कैपेसिटी है वो 80 वॉट की है, उसकी होती है 100 वॉट की। तो यही कुछ है इसके अंदर। और ये केबल की बात करूँ दोस्तों, तो ये टाइप ए टू टाइप सी केबल होती है, दोनों तरफ टाइप सी केबल नहीं मिलती, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं मेन फोन की तरफ। तो इसको देखिए, ये है मेन फोन, ये देख सकते हो आप। तो फोन दोस्तों ऑन है, मैंने ऑन कर लिया था, ऐसा नहीं है कि मैंने फ़ोन को ऑन नहीं किया, फ़ोन ऑन है, मैंने दोस्तों ने पैक कर दिया था वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। देखिए इसका EMI नंबर, ये सार वैल्यू दी गई है, और ये मॉडल नंबर है फ़ोन का। और ये है मेरे पास दोस्तों मेड इन इंडिया वाला 16 GB 256 GB वाला वेरिएंट, आप देख सकते हो दोस्तों। इसमें हमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले की, डिस्प्ले से स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों इसमें मिलती है हमें एक 6.82 इंच की फुल HD वाली दोस्तों 2K रेजोल्यूशन के साथ एक AMOLED डिस्प्ले। दोस्तों डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है इसकी, आप देख सकते हो कर्व डिस्प्ले है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए मैं कुछ ऐसा करूँगा, तो देखो कर्व डिस्प्ले है, देखिए। और इसके अंदर दोस्तों हमें प्रोटेक्शन जो मिलती है वो फ्रंट और बैक दोनों तरफ मिलती है हमें। गोरिल्ला ग्लास विक्टर जो 2 वाला आता है दोस्तों लेटेस्ट, उसकी प्रोटेक्शन देखने को इसमें हमें मिलती है फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ। गोरिल्ला ग्लास विक्टर 2 की प्रोटेक्शन दोस्तों इसमें हमें मिल जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भले ही इसमें कितनी भी अच्छी प्रोटेक्शन देखने को मिल रही हो, बट आपको फ़ोन को कवर के साथ यूज करना है और एक अच्छे टेम्पर ग्लास के साथ, जिससे आपके फ़ोन में कोई डेंट वगैरह या फिर स्क्रैच वगैरह ना आए, और गिरने से दोस्तों कहीं आपका डिस्प्ले टूट ना जाए, क्योंकि कितना भी अच्छा प्रोटेक्शन हो जब फ़ोन गिरता है दोस्तों, तो टूटने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं इसके। दोस्तों अब बात करते हैं कैमरा की, डिस्प्ले की बात हो गई।
6.8 इंच की दोस्तों काफ़ी बड़ी डिस्प्ले होती है। ये देखिए काफ़ी बड़ा फोन लगता है कवर लगाने के बाद। कैमरे का दोस्तों जो डिजाइन दिया गया है दोस्तों वो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और जो कैमरे दोस्त जो दिए गए हैं वो ऐसा नहीं है कि ये उभरे हुए हैं डिजाइन से लग रहा है, लेकिन ये एकदम फ्लैट है। देखिए देखने में ऐसा लगता है कि ये चारों कटआउट दोस्तों अलग से उठे हुए होंगे, ऐसा नहीं है आईफोन से। ये सिर्फ सिंपल सादा है, इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है तो ये एकदम फ्लैट होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कैमरे की। दोस्तों इसमें हमें तीन कैमरे का सेटअप बैक में देखने को मिलता है। ये एक तो तीन कैमरे, ये कुछ और है पता नहीं क्या फ्लैश दोस्तों इसके ऊपर होती है। इसमें दोस्तों जो मेन कैमरा है वो है इसका 50 मेगापिक्सल का। तो 50 मेगापिक्सल का दोस्तों मेन कैमरा दिया गया है इसके अंदर, जिसमें दोस्तों आपको मिलता है काफ़ी अच्छा सेटअप। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ पहला जो कैमरा है वो है दोस्तों 50 मेगापिक्सल का इसका, जिसमें आपको सोनी का 808 वाला सेंसर मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा कैमरा होता है 50 मेगापिक्सल का सोनी की तरफ से। और दूसरा कैमरा दोस्तों इसका है 64 मेगापिक्सल का, जो है दोस्तों पेरीस्कोप दोस्तों टेलीफोटो वाला कैमरा, जिसके अंदर दोस्तों आपको फिर से एक सोनी का ही सेंसर देखने को मिलता है, जिसमें आप 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो और दोस्तों 6x तक इसमें सेंसर वाली जूम कर सकते हो। दोस्तों 3x ऑप्टिकल जूम से ये होगा कि आप 3x करके भी एक दोस्तों एक पोर्ट्रेट फोटो होती है वो ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो आएगी। अब दोस्तों इसका एक तीसरा कैमरा है वो दोस्तों इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो है दोस्तों उसका 48 मेगापिक्सल का, जी भी दोस्तों सोनी की तरफ से ही है, सोनी का IMX581 वाला सेंसर इसमें आपको दिया गया है। सेल्फी कैमरे की दोस्तों बात करें तो इसका जो सेल्फी कैमरा है दोस्तों वो भी दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा है, 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है सोनी की तरफ से, जिसमें आपको मिलता है सोनी का IMX615 वाला सेंसर। दोस्तों अगर जो भी 50 मेगापिक्सल कम होता तो अच्छा होता, बट आपको मेगापिक्सल के ऊपर नहीं आना, क्योंकि जो कैमरे की जो दोस्तों क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया दी गई है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं हम इसके फ़ोटो वगैरह, दोस्तों जो है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे फ़ोटो क्वालिटी आती है। अब बात करते हैं बैटरी की। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें बैटरी हमें मिलती है 5400 mAh की, और चाहे दोस्तों आपको बॉक्स के साथ ही मिल जाता है 100 वाट का, जिसमें दोस्तों आप अगर अपने 0 से 100% तक इसको चार्ज करते हो उस चार्जर से तो 26-27 मिनट लगती हैं, ऐसा कंपनी का दोस्तों दावा है। बट आप आधा घंटा मान के चलो, आधे घंटे में आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा। और 50 मेगापिक्सल की दोस्तों इसके अंदर, सॉरी दोस्तों 50 वाट की इसमें मिलती है दोस्तों आपको वायरलेस चार्जिंग। तो अगर आप वायरलेस चार्ज यूज़ करते हो तो 50 वाट की इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा हैवी यूज़ करते हो फिर भी आपको 1 दिन से ऊपर का बैटरी बैकअप मिल जाएगा इसमें। अगर ज़्यादा गेमिंग करते हो तो 8 से 9 घंटे का स्क्रीन टाइम देखने को आपको मिल जाएगा, और फ़ोन भी फटाफट चार्ज हो जाता है, तो बैटरी का कोई भी इशू नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसमें दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर जो चल रहा है Snapdragon 8 Gen 3, जो कि दोस्तों सैमसंग के S24 सीरीज में आपको मिला है, और इसमें दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा दोस्तों प्रोसेसर है। आप इसमें कितनी भी हैवी गेमिंग कर लो आपके फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ना कोई हीट होगा और ना ही दोस्तों लैग वगैरह करेगा। तो काफ़ी अच्छा सेंसर है दोस्तों कैमरे का भी। अब मैं आपको कैमरा क्वालिटी दिखाता हूँ, ये देखिए मैं आपको उस कैमरा के सैंपल दिखाता हूँ जो दोस्तों मैंने आप इसके आज ही क्लिक किए हैं। ये देखिए जी दोस्तों इसका जो मेन सेंसर है ये देखिए आप देख सकते हो कैमरे की एसएलपीट की बैठ इससे कोलेबरेशन है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट शॉट भी आते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी दी गई है, आप देख सकते हो साइड में जो फोटो, ये आप फोटो के अंदर देख रहे हो कैमरे से, तो देखो कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए बैक में देखिए दोस्तों ये जो इस स्काई का जो कलर वगैरह है, जो बादल थोड़े थोड़े हो रहे हैं, तो वो दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से विजिबल हो रहे हैं, और सारे कलर वगैरह दोस्तों काफ़ी अच्छे आए हैं, यानी कि आपको जो कैमरा निराश नहीं करेगा। अगर आप इस फोन से कैमरे के लिए इसको लेना चाहते हो तो आपके पैसे वेस्ट नहीं आएंगे, काफ़ी अच्छे इसमें आपको कैमरा सैंपल देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी मैंने एक
ऐसी फ़ोटो ली है जिसमें दोस्तों आसमान का जो एक्चुअल कलर था वो सेम वैसा ही आया है फिलहाल इसमें। और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए देखिए पूरा एरिया इसने कवर किया हुआ है। और अब जूम करके भी देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छी डिटेल देखने को मिलेगी काफ़ी हद तक। तो इस तरीके से कोई इसमें कैमरा मिलता है। सेल्फी शूटर की बात करूँ दोस्तों तो आपको सेल्फी कैमरा दिखाता हूँ मैं इसका, ये देखिए सेल्फी कैमरा दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा है। ये देखिए इस काफ़ी अच्छी डिटेल आ रही हैं सेल्फी कैमरे में। और ये मैंने लिया था दोस्तों पोर्ट्रेट के अंदर सेल्फी कैमरा, तो पीछे का दोस्तों काफ़ी ब्लर अच्छा लग रहा है इसमें। तो कैमरा दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा है। बैटरी दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी दी गई है आपको 5400 mAh की, जिसमें आपको 1.5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। और बैटरी की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चार्जर आपको मिल रहा है 100 वाट का इस बॉक्स के अंदर, आपको अलग से परचेज नहीं करना, तो आपका फ़ोन भी फटाफट चार्ज हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे कैमरे दिए गए हैं। डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, 2K रेजोल्यूशन वाली AMOLED डिस्प्ले और कर्व डिस्प्ले है, तो काफ़ी ये फ्लेक्सीबल का फ़ोन है, काफ़ी प्रीमियम फील होता है हाथ के अंदर। और सबसे अच्छी बात दोस्तों वन प्लस का, इसके अंदर हमें मिलता है अलर्ट स्लाइडर, जिसमें दोस्तों आपको फ़ोन को ऑन नहीं करना, मतलब लॉक अनलॉक नहीं करना, आप वैसे ही इसको साइलेंट पे या वाइब्रेशन मोड पर लगा सकते हो। देखिए साइलेंट हो गया, ये वाइब्रेशन हो गया और ये रिंग पे हो गया, तो आपको ऊपर से ये अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलती है इस फ़ोन के अंदर। अब दोस्तों सारे पॉइंट मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी सवाल या क्वेश्चन हो या कोई आप कुछ पूछना चाहते हो इस फ़ोन से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। दोस्तों मैंने सारे ही पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। और इसमें आपको डुअल, और मैं एक दो चीज़ और बता दूं, इसमें आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आप कोई भी SD कार्ड वगैरह नहीं लगा सकते। और दोस्तों इसमें आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं, एक यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि 70,000 रुपये का डिवाइस है, तो ये चीज़ तो आपको मिलने वाली है इस फ़ोन के अंदर। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर आपको दोस्तों कोई भी बॉर्डर की रेजिस्टेंट वाली जो प्रोटेक्शन होती है वो देखने को नहीं मिलती। वैसे दोस्तों कोई प्रोटेक्शन से कुछ नहीं होता, क्योंकि कंपनी उसका कोई भी वारंटी क्लेम नहीं करती है कि अगर आपका फ़ोन पानी में ख़राब होता है तो आपको सर्विस नहीं मिलती। बट फिर भी एक जो हमें फीचर देखने को मिलता है सैमसंग के डिवाइस के अंदर और काफ़ी फ़ोनों के अंदर, वो इसमें देखने को नहीं मिलता, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ थोड़ी मोड़ी हल्की फुल्की बारिश का पानी इसको पड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आप इसको पानी के अंदर डुबो नहीं सकते जैसे आप आईफोन सैमसंग के जो डिवाइस होते हैं डुबो सकते हो, वैसा कुछ इसके साथ आप नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब बात करता हूँ इसकी प्राइस की। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है, ये अगर आप ऑनलाइन लेते हो अमेजन से, तो दोस्तों अमेजन पर इसकी प्राइस दी गई है 16GB 512GB वाले वेरियंट की 70,000 रुपये, जिसमें आपको 2,500 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो किसी और से तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बट अगर आप इसको फ्लिपकार्ट से लेते हो तो वहाँ इसकी प्राइस दोस्तों 61,500 रुपये, बट जिसमें आपको 2,000 रुपये समथिंग का कैशबैक मिल जाएगा, तो ये आपको पड़ेगा 59,000 के आसपास। और अगर वहीं आप इस डिवाइस को अपनी ऑफलाइन मार्केट से देखते हो, मैं ऐप वन प्लस स्टोर की बात नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पर दोस्तों फिक्स प्राइस रहती है, अगर आप इसको अपनी लोकल मार्केट से चेक करते हो तो वहाँ दोस्तों आप इसके 2-3 हज़ार रुपये और कम करवा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से ये फ़ोन आपको मिलेगा 56 से 57 हज़ार रुपये के बीच में, तो काफ़ी अच्छा दोस्तों फ़ोन है। अगर आपको वन प्लस का एक लेटेस्ट डिवाइस चाहिए जो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर प्रोवाइड करे, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। अगर आपका बजट 50 से 60 हज़ार के बीच है तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो, काफ़ी अच्छे डिवाइस है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक उसे जरूर करें। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि काफ़ी लोग हैं वीडियो देख लेते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।